हवा को पकड़ना नामुमकिन। शशि कपूर को तो ना जाने कितने मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही, और तुमने सोचा कि तुम मुझे ऐसे ही मार दो। शशि कपूर और शाद की कहानी में जीत सिर्फ मेरी होगी, मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम शाद को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शशि कपूर ने खुद की जान लेकर आखिरी जीत भी हासिल कर ली। उस शैतान ने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मोहब्बत छीनी, और मैं अब अपने दोस्त को नहीं खो सकती। बाबा, शाद के मुझ पर जितने एहसान है मैं कुछ भी कर लूं नहीं चुका पाऊंगी, और उनको बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगी। शशि कपूर वो आखिरी ऐसी शख्स थी जो मुझे शाद के बारे में बता सकती थी, लेकिन वो मर चुकी है। भरोसा रखो बेटा, वो अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता है। हाँ, वो इम्तिहान जरूर लेता है, लेकिन रास्ता भी तो वो खुद ही दिखाता है। एक दिन शाद की पुकार तुम तक जरूर पहुंचेगी। चंद, चंद। तुम्हारी जन्नत ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। इतनी शिद्दत से बरसों में मैंने नूर को दहशत का चेहरा बनाया था, और सनम ने एक पल में सब बर्बाद कर दिया। जो बर्बाद होता है उसी को तो आबाद किया जाता है, और फिर जब दो बड़ी ताकत मिल जाए तो अच्छे अच्छों को हिला कर रख देती है। क्या कहती है? आपका शातिर दिमाग और मेरी ताकत अगर मिल जाए तो अब भी हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। वैसे मैं राह चलते किसी का भी साथ नहीं देती हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी दोस्ती मुझे जरूर रास आएगी और हमारी दोस्ती सनम के लिए उसकी कब्र बनेगी और उसी कब्र की नींव पर हम दहशत की बुलंद इमारत खड़ी करेंगे। या अल्लाह, मैं जिस सफर पे निकली उसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे और भी ताकत और भी हिम्मत चाहिए। आपके साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और जब तक मैं सभी गुनहगारों को उनके किए की सजा नहीं दे देती चैन से नहीं बैठूंगी। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, आपने तो कहा क्या था, वो हो गया? वो क्या? अरे वो जिसके होने के बाद आपकी मक्कार इस दुनिया में रह जाती। इंतकाल, इंतकाल हो गया। बेगम साहिबा, हमने न्यूज में देखा कि नूर के साथ क्या क्या हुआ। अल्लाह, एक तो मैं नाजुक, ऊपर से सनम के ये कारनामे। मुझे लगा कि डर के मारे कहीं मेरी जान ही ना निकल जाए। अल्लाह, मैं तो हुई छोई मुई। इतनी खतरनाक शेरनी कैसे बन गई? हाँ। चुप करो। जब बुरा वक्त आता है ना तो हौसला बढ़ाने के लिए आता है, ना कि डराने के लिए। तुम दोनों की बात डरने डराने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? सनम चाहे जो कुछ कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। है? क्यों? क्यों? आपने कुछ जादू वादू किया है क्या? जादू नहीं, अकल से। मेरे पास अभी भी एक मौरा है जिसके होते हुए सनम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भी क्या करे, उसके सीने में बहुत ही नेक दिल है और ये जो नेक दिल इंसान होते हैं ना, ये कभी भी जानबूझ कर गुनाह नहीं करते। सनम माहे जी की मौत के लिए सबसे बदला लेना चाहती है, जरूर लेना चाहती है, लेकिन वो कभी भी किसी मासूम की हत्या नहीं करेगी। और जब तक शाद हमारे कब्जे में है तब तक मैं महफूज हूँ। और जब तक आप महफूज, तब तक हम महफूज हैं। तुम शाद को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वादा करोगे? तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे बेटा। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी शाद को छोड़ के नहीं रहूंगी। लोग कहते हैं मोहब्बत में बहुत ताकत होती है, ठीक कहते हैं। आपकी मोहब्बत की ताकत थी मेरे साथ, इसलिए मैं ये सब कुछ कर पाई। आपकी मोहब्बत की ताकत ही तो है जिसके दम पे मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। जिन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीनी, चैन से कैसे बैठ सकते? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी आहिर। मैं जीते जी आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अपनी इस कसम को मैं जरूर पूरा करूंगी। अब नई सनम की बारी है, उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और उसकी सजा है मौत। सनम, सनम मुझे बहुत डर लग रहा है। शाद का कोई पता नहीं चल रहा है। मैंने शशि कपूर के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए, लेकिन उनसे भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिसके जरिए हम शाद तक पहुंच पाए। जब एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। मुझे पूरा यकीन है कि शशि कपूर के आदमियों को कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। वो सब के सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं और कहीं उन्हें ढूंढने तक अगर शाद को कुछ हो गया, शाद को कुछ नहीं होगा। मैं शाद को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी करके उन्हें ढूंढ लूंगी मैं। शाद मेरा दोस्त है और उसे ढूंढने के लिए मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सच तो ये है कि हम एक ऐसी दीवार के आगे आकर खड़े हो गए जिसके आगे जा पाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अब तो दुनिया की कोई भी दीवार मुझे शाद तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। नई सनम ने उन्हें कैद करके रखा है ना, अब वही मुझे शाद तक पहुंचाएगी। लेकिन कैसे? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। खाना अगर लजीज हो ना तो जिंदगी के गम कम हो जाते। क्या हुआ? अब तक इतनी परेशान क्यों? अरे अपना चेहरा जाके आईने में देखो, 2 दिन से चेहरे की रंगत उड़ी हुई। यहाँ मेरे सीने से जान निकलनी बाकी है और आपको मेरे चेहरे की रंगत की पड़ी। जब तक सनम की सांसें चल रही है ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। हर वक्त एक खौफ सा रहता है कि पता नहीं अब फोन करेगी, अब फोन करेगी। ये आगे उठाओ। कितनी बार कहा है, बड़े कुछ कहे ना तो मान लेना चाहिए। उठाओ फोन। अरे अब डरने की बारी तुम्हारी नहीं उसकी है। डर के मारे फोन पर तुमसे भीख मांगेगी, गिड़गिड़ाएगी, शाद की जिंदगी बख्शने को कहेगी और हम खैरात में किसी की जान ऐसे ही तो नहीं बख्श देंगे। आ गया वो पहाड़ के नीचे। वैसे तुम जो सोच रही हो ना, बिल्कुल गलत नहीं सोच रही। दिल है तुम्हारा, कब तक अकेला रहेगा? अब तो माहिल की सनम तो बन नहीं सकती, तो शाद की जन्नत ही सही। लेकिन मुझे जरा माफ कर देना, मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकती। अच्छी बात है, इंसान के जो दिल में आए उसे कह देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान जब भी मुंह खोले कुछ बकवास ही करे। और अगर तुझे ये लगता है कि मैंने शाद की जिंदगी की भीख मांगने के लिए तुझे फोन किया है तो तू गलत है, क्योंकि मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि मुझे शाद मिल गए। तुम्हें शाद कैसे मिल सकता है? तुम झूठ बोल रही हो ना। नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। अब तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। लेकिन तुम भी क्या करो, इंसान तो एक छोटी सी चोट खा के तड़प उठता है। तुम्हें तो मैंने इतने जख्म दिए हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सबसे कैसे निपटोगी तुम। शाद एकदम महफूज है। तुम अपनी उलझनों में ये कैसे भूल गई? शाद एक आर्मी ऑफिसर है। नूर की गिरफ्त में होने के बावजूद उन्होंने नूर का इकबालिया बयान मुझ तक पहुंचा दिया था और इस तरह शशि कपूर का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। फिर कुछ गुंडों को मात देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? अब तुम ये सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि मैं आ रही हूं तुम्हारे पास तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देने। आप कह रही हैं कि शाद आपकी गिरफ्त में है, सनम कह रही है कि शाद उसे मिल गया है। चल क्या रहा है ये? नामुमकिन है। मैंने शाद को ऐसी जगह छुपा कर रखा है कि सनम उस तक पहुंच ही नहीं सकती। नामुमकिन तो उसका पहाड़ी से गिरकर बचना भी था, लेकिन वो बच गई ना। अब वो हम सबकी जान लेना चाहती है। जो मुमकिन नहीं था वो भी मुमकिन कर गई वो। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने उसे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। उसका पता उसे कैसे चल सकता है? हमने बताया। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ये बेगम साहब आ रहे हैं, रहम कीजिए। हम दोनों तो बाहर वो खरीदने गए थे। वो क्या? अरे वो, अरे छोड़ो ना। बेगम साहब हम लोग बाजार गए थे और वहाँ सनम ने हमें पकड़ लिया और ऐसा धोया जैसे तो भी अपने मेले कपड़े धोता है। इतना मारा कि बेगम साहिबा हमारी जबान से वो तो सब निकल गया। बहुत शातिर खिलाड़ी है ना आप तो। क्या हुआ, यकीन हो गया कि सनम शाद तक पहुंच चुकी है? सनम ना शाद को लेके कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जिस जगह पे आपने रखा है ना उस जगह के आसपास ही होगी। जल्दी जाकर उनको पकड़ लीजिए और हमारी बेगम साहिबा की जिंदगी बचा लीजिए। हमारा बेगम साहिबा के अलावा और है ही कौन? ये दोनों सही कह रहे हैं, हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। चलिए तुमने सही कहा था। अब वो लोग वहाँ जाएंगे जहाँ शाद है और इनके जरिए हम शाद तक पहुँच जाएंगे। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके आऊंगी। रजिया नाम है मेरा। पारा हिम्मत है तो पारा। इसका मतलब ये जिंदा है? कौन जिंदा है? ये जो औरत थी, ये जो मेरी सनम के साथ बैठी हुई थी, ये रजिया भी है। इनकी वजह से मेरी अम्मी की जिंदगी बर्बाद हो गई और मुझे लगा ये मर चुकी है। सनम, ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है। हमें इनकी गाड़ी का पीछा करना है, वरना शाद तक पहुंचने का ये आखिरी मौका भी हम खो देंगे। देखिए मेरी एक्टिंग। लो, तो मैंने भी कौन सी कम एक्टिंग की। हाँ। अरे वैसे चुरी हुई। हाँ। एक बात बता, इनकी लड़ाई में जीतेगा कौन? हाँ? कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में? छोड़ो ना यार, ये काटे मारे एक दूसरे को, हमें क्या करना है? हाँ। हम तो बेचारे हैं। हाँ। तो जो जीतेगा हम तो उसी की तरफ बोलेंगे।